अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो हैं, अब तक मुझे दो चेयरमैन ऐसे हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सबसे अच्छे मुझे लगे हैं। आपको भी यकीन तौर पे लगेगा जो लगता है कि वाकई में वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ जुनून है उनमें। एक थे सबसे पहले नंबर वन रमेश राधा ने बहुत बहुत अच्छी जो है एफर्ट की थी। सेकेंड जो है वो अभी जो करंटली हैं चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जो बहुत ज़बरदस्त हैं, वो पर्सन है पाकिस्तान चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के। वो इससे पहले जो है वो वजीर आला भी रह चुके हैं पंजाब के, तो वो उन्होंने भी काफ़ी अच्छे काम किए। लेकिन ये एक अलग मैटर मैं करता हूँ साइड पे। लेकिन यहाँ पर जो है वो उन्होंने अब छुरियाँ चलाने का इंतजाम उन्होंने कम्प्लीट कर लिया। बड़ी सर्जरी जो उन्होंने अब करनी है और ये करनी है कि इन प्लेयर्स की जो सैलरीज हैं बैंक अकाउंट जो है वो उनके ऊपर जो है वो छापे लगाने हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का, इनके अंदर कितनी कैटेगरीज और हर कैटेगरी में कौन कौन शामिल है और हर कैटेगरी वाले कितने कितने प्लेयर्स जो है वो सैलरियाँ ले रहे हैं। अब जो नेक्स्ट डाका डलना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से, अब इनकी सैलरी के ऊपर जो है वो डाका डलेगा। तो सबसे पहले मैं ले चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो सबसे पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर कैटेगरी जो वो हमारे पास होती है ए की पहले नंबर वाली, तो उसके अंदर जो है वो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी शामिल है। बी कैटेगरी में इमाम उल हक, मोहम्मद नवाज, हारिस राव, शादाब खान, फखर जमान, नसीम शाह इसके अंदर शामिल। उसके बाद सी कैटेगरी में अमाद उद्दीन शामिल और अब्दुल्ला शफीक जो है वो इसमें शामिल। उसके बाद कैटेगरी डी के अंदर जो है काफी सारे प्लेयर जो यहाँ पर शामिल है, हसन अली शाहनवाज, दानी सरफराज, अहमद जमान खान, फहीम अशरफ और ये बाकी प्लेयर आपके सामने जो है वो लिस्ट आपको दी जा रही है, आप वीडियो रोक कर जो है वो इसको देख सकते हैं। तो आपको बताते लेके ये वो प्लेयर हैं जो कैटेगरी डी जो है वो डिस्क्राइब किया गया। लेकिन आपको बताते हैं कि अब ये सैलरी कितनी लेते हैं, जो ग्रुप ए के हैं वो लेते हैं 45 लाख रुपए फिक्स सैलरी जो है ग्रुप ए की जो कैटेगरी ए है वो 45 लाख रुपए फिक्स सैलरी उनकी भाई उन्होंने लेनी की लेनी है। तो उसके बाद जो अब आपको बताते चले कि यहाँ पर जो सेकंड ग्रुप वाले हैं जो कैटेगरी वाले हैं वो लेते हैं 30 लाख रुपए फिक्स सैलरी इनकी। तो उसके बाद जब आपको बताते चले कि जो ग्रुप कैटेगरी जो सी में आते हैं वो लेते हैं जी 15 लाख रुपए फिक्स। उसके बाद जो कैटेगरी डी में आते हैं वो लेते हैं 7.5 लाख। लेकिन जो ग्रुप ए वाले हैं तो जब सीजन चल रहा हो तो वो अच्छे मैचेस खेल के, आपको बताते चले कि माइंड बात याद रखें ये सैलरी इनकी फिक्स है। जो फीस जो खेलते हैं T20 मैच ODI टेस्ट वो इनकी जो फीस होती है मैच की वो अलग होती है, ये माइंड में चीजें आपने अलग रखनी है। ऑलमोस्ट ये समझ लें कि हर प्लेयर जो है वो टॉप से नीचे की तरफ आए तो मिनिमम जो है वो 70 लाख से लेकर जो है वो 30 लाख तक हर प्लेयर जो है वो आराम से कमा लेता। तो इतनी इतनी बड़ी इनको सैलरी मिली तो इन्होंने पाकिस्तान के लिए कटा खेलना है। तो यही वजह आते हैं कि जब मोहसिन नकवी साहब जब डाका डालेंगे इनके बैंक अकाउंट्स के ऊपर, जब इनकी पूछ को लगेगी आज फिर ये पाकिस्तान के लिए खेलेंगे नहीं, तो ये लीगों में तो बहुत अच्छा खेलते हैं। ये मोहसिन नकवी का कितना अच्छा बड़ा एग्जाम है, तो आप लोगों ने भी कमेंट करके मुझे आप बताना जरूर। थैंक यू सो मच।